बच्चों गुड मॉर्निंग, मैं निशी गुप्ता आपकी संगीत वादन तबला के अध्यापिका बोल रही हूँ। आज का यूट्यूब 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के तबले के विद्यार्थियों के लिए है। बच्चों इसके पहले हमने आपको कायदा परन टुकड़ा आज की परिभाषा बताई, आज मैं आपको पेशकारा पढ़ाऊँगी। पेशकारा, पेशकार फारसी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पेश करना, उपस्थित करने वाला या परिचय देने वाला। पेशकार अदालतों में हुआ करते हैं, उसी से पेशकारा शब्द की उत्पत्ति हुई है। तबला सोलो वादन में इसका स्थान सर्वप्रथम आता है। इसका वादन दिल्ली और अजराड़ा घराना की विशेषता है। पेशकारे और कायदे के लक्षणों में बहुत कुछ समानता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पेशकारा सुंदर बोलों से युक्त एक प्रकार का कायदा होता है। कायदे के समान इसमें भी पलटे किए जाते हैं, परंतु पलटे करने में कायदे के पलटों के समान कठोर नियमों का पालन नहीं करना पड़ता। पेशकारे की लय समान कायदों की अपेक्षा सुंदर पर डगमगाती हुई होती है, इसका आनंद मध्य लय में होता है, इसलिए पेशकारा मध्य लय में बजाया जाता है। पेशकारे में धीक कृदंता त्रिदंता आदि बोल समूहों का प्रयोग होता है। बच्चों देखिए, हम तीन ताल में ये पेशकारा है जिसके बोल हैं धीक, तीन ताल में है धीक क्रधिनता धाधा धिनता धाति धाति धाधा धिनता, धीक क्रधिनता ताता तिनता धाति धाति धाधा धिनता। इसके पलटे देखिए, धीक क्रधिनता धाधा धिनता, धीक क्रधिनता धाधा धिनता, धीक क्रधिनता धाधा धिनता, धाति धाति धाधा धिनता, धीक क्रधिनता ताता तिनता, धीक क्रधिनता ताता तिनता, धीक क्रधिनता धाधा धिनता, धाति धाति धाधा धिनता। फिर इसके बाद दूसरा पलटा देखिए, धीक क्रधिनता धीक क्रधिनता, धीक क्रधिनता धाधा धिनता, धीक क्रधिनता धाधा धिनता, धाति धाति धाधा धिनता, धीक क्रधिनता धीक क्रधिनता, धीक क्रधिनता ताता तिनता, धीक क्रधिनता धाधा धिनता, धाति धाति धाधा धिनता। यहीं देखिए, धीक क्रधिनता धाधा धिनता धा आ, धीक क्रधिनता धाधा धिनता धा आ, धीक क्रधिनता धाधा धिनता धा, दमदार तिहाई। ये बेटा जो हमने तिहाई पढ़ाई थी आप लोगों को बताया था ना, जब जिस तिहाई के बीच के दोनों भागों को बजाने के बाद कुछ विश्राम दिया जाए, देखिए यहाँ पर धा पर विश्राम है, धा दो मात्रिका है, ये दमदार तिहाई है। अब इसको कैसे लगाया जाएगा बच्चों, ये देखिए ताली में तीन ताल का है, पहले तीन ताल का ठेका देंगे, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन, धीक क्रधिनता धा धा धिनता धाति धाति धा धा धिनता, धीक क्रधिनता ताता तिनता धाति धाति धा धा धिन, धीक क्रधिनता धा धा धिनता धीक क्रधिनता धा धा धिनता, धीक क्रधिनता धा धा धिनता धाति धाति धा धा, धीक क्रधिनता ताता तिनता धीक क्रधिनता ताता धिनता, धीक क्रधिनता धाधा धिनता धाति धाति धाधा धिनता। दूसरा पलटा देखिए, धीक क्रधिनता धीक क्रधिनता, धीक क्रधिनता धाधा धिनता, धीक क्रधिनता धाधा धिनता धाति धाति धाधा धिनता, धीक क्रधिनता धीक क्रधिनता, धीक क्रधिनता ताता तिनता, धीक क्रधिनता धाधा धिनता धाति धाति धाधा धिनता। तिहाई देखिए, धीक क्रधिनता धाधा धिनता धा आ, धीक क्रधिनता धाधा धिनता धा आ, धीक क्रधिनता धाधा धिनता धा। त्याई एक बार और देख लीजिए बच्चों, धीक क्रधिनता धाधा धिनता धा आ, धीक क्रधिनता धाधा धिनता धा आ, धीक क्रधिनता धाधा धिनता धा। एक मात्रिका है, उसके बाद हमने फिर एक मात्र में अवग्रह को गिना। ठीक है बच्चों, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, पेशकारे को याद कीजिएगा और ताल लगाने का अभ्यास कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, ओके थैंक यू।